शुरू करते हैं प्लांट सर्कल डायग्राम। सबसे पहले बनाना है ये गोल साइज स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल होता है केवल प्लांट सेल में। उसके अंदर आएगा एक और स्ट्रक्चर दैट इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल सेल दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। फटाफट लेबलिंग साथ में करना है सो दैट यू डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस सारे सेल में होता है और सेंटर में होता है बट दिस टाइम द न्यूक्लियस विल बी सिचुएटेड इन द पेरिफेरी रीजन। इसको गोल बना सकते हैं या फिर ओवल भी बना सकते हैं। अलग अलग प्लांट सेल में अलग अलग होता है। सो लेट अस मेक इट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल। बीच में होगा बहुत बड़ा सा वैक्यूल। वैक्यूल की एक आउटर लेयर होती है दैट इज नोन एज सोनोप्लास्ट। अब ये बॉडी जो है ये जेली लाइक है और इसको जेली लाइक बॉडी को आई विल डू इट लाइक दिस। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। दिस स्पेस दिस एरिया इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में होंगे छोटे छोटे राइबोसोम्स। दे आर स्कैटर्ड। साथ ही में होगा किचन ऑफ द सेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के पास होंगे वेब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल, स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होगा राइबोसोम दैट विल बिकम रफ। कुछ के पास नहीं होगा दैट विल बिकम स्मूथ। इसके साथ में आ जाएंगे पेरोक्सीसोम्स। हमारा न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोलस। इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी दैट इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट। डिटेल्ड स्ट्रक्चर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।